तब तक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूं, बता। अगर बड़ी भैंस बड़ी मगर भैंस बड़ी अब आकल बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती। भैंस का दूध ना पीगो तो कल कितना आएगी? अच्छी ये बात है। तो ये भैंस बड़ी तनु कह रहा है अगर भैंस का दूध नहीं पीगो तो कल कैसा आएगी? बात तो सही भी है। ये भी घर भैंस बड़ी ना रहे बेटा, अकल बड़ी वैसे अकल बड़ी ना रहे भैंस को दूध पिवागी नहीं तो अकल कितना आएगी? और पूछ बता। भरी थी मन में भरी थी 9 लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दूसरा लोड़े खड़ी थी। भाई आप भी बताना इसका जवाब, मनुज पूछ रहा है। अरे मनुज ने तो आंसर दे दिया। चल तनु तू गाय से पूछ एक पहेली, तनु मनुज से मत पूछ, उधर देख के पूछ। मेरे पास बुक थी मनुज, बुक में ला। नहीं बुक में नहीं, बिना देख के पूछेगा भाई, बुक में से नहीं पूछेगा, गलत बात। बुक में ये पहेली पूछी, इससे बुक में से पूछिए। हाँ तो बुक में से याद करते, खुद का याद होना चाहिए। मेरे तो याद है उसमें कटमा पहली, जिसकी पहले का सबसे लास्ट का आंसर छत्री है। सबसे लास्ट का छत्री है, पर छत्री सबसे ऊपर है, उसका आंसर गलत दे रखा है। एक आदमी एक पहलवान कुश्ती लड़ने गया था, उसने 20 रुपए की आइसक्रीम खाई। उसने कहा मैं कुश्ती लड़के आपको 20 रुपए दे दूंगा। अब वो गया उस दुकान में, 4 लड़के काम करते थे। अब मुझे आप कौन से बताने, उनमें से एक ने कहा हाँ। अरे मैं तुझसे एक पहेली पूछूंगा, जब तूने सही आंसर दिया तो मैं तुझे रुपये दूंगा। हाँ। उसने कहा हाँ। एक 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 उस जिसमें उसने आइसक्रीम खाई थी उसमें 4 लड़के काम करते, एक का नाम एक था, 2 का नाम 2 था, 3 का नाम 3 था, 4th का नाम क्या होगा? इसका आंसर देना है आपको। तो गाइस आपको एक कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तनुज ने प्रश्न पूछा है और जरूर सारे कमेंट्स करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होता है। हमारी मम्मी गाइस मुझे बताए इसका आंसर, आपको बताने नहीं है, आपको नहीं बताना आंसर ना, आप बताओगे ये कमेंट्स करके बताएंगे। आप लोग कमेंट्स करके बताओ आंसर सही निकला तो मैं इनसे और पहली पूछूंगा, अगर गलत निकला तो मैं इनसे और पहली नहीं पूछूंगा। हाँ, तुम कह रहा है अगर आंसर सही निकला तो मैं आपसे पहली पूछूंगा और गलत निकला तो मैं आपसे पहली नहीं पूछूंगा। तो गाइस जरूर कमेंट्स में बताना जो तनुज ने पहली पूछी है उसका जवाब। आप पूछना चाहोगे पहली? पूछ, मैं इनसे एक और पहली पूछना चाहता हूँ। बाहर से लाल भीतर से हरा बन गया तरबूज। गलत है, गलत है, मैं पूछूंगी ये पहली। तब पूछ रहे हैं रानी, बाहर से रानी हरी, अंदर से राजा, वो राजा लाल और सिपाही काले। हाँ। बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? तरबूज। इसका आंसर बताई दिया ओए आंसर इसका सही है, बाहर से हरा और अंदर से लाल तरबूज और बीज उसके काले, क्योंकि तरबूज का बाहर जो वो होता है ना छिलका वो होता है हरा, अंदर से उसकी गिरी होती लाल और उसमें बीज होते हैं ना वो काले होते हैं। देखिए तरबूज के पहली उसमें से दिख जाएगी आपको, दोबारा से समझ लेना ये तनुज ने जो पूछी है। और ये देखो हमारे एक, हाँ भाई क्या पूछेगा? प्रियंक बता दे। बिंदी 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 पूछूं ये सारी पंडित बैठती है बाहर से अला
कोई सी पता प्रियांक, और कोई याद करके बता जल्दी। ला मैं बताऊं यार, और बता। मैं बताऊं। हाँ। एक याद आई मुझे, एक याद आई, बता। जरूर आंसर देना, और अमर मम्मी भी कह रही मैं भी पूछूंगी एक पहेली। मुझे एक और याद आई, मेरे एक और याद आई। अभी तो भाई तनुज कह रहे, पहले मैं एक और बताऊंगा, फिर गाय फिर बताएंगे। गाय गाय नाली में ब्यावे, खटको दबावे तो मारना आवे। इसका आंसर क्या है? काली गाय नाली में ब्यावे, खटको दबावे तो मारना आवे। हाँ तो गाय जिसका जवाब दे, और अमर मम्मी बताएगी। मैजिक पहेली। एक नार ऐसी थी, छे नाड़ा बांधे थी, मर्दा बीच कबड्डी खेले, वो भी नार कहावे थी। ये तो गाइस, इस पहेली का भी आपको जवाब देना है कमेंट्स में, और कमेंट्स करके जरूर बताना है। हम भी तो देखें कि आप लोगों को भी आता है नहीं आता है। जब हमारे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी पहेली कह रहे हैं, तो आप लोगों को आंसर तो आना चाहिए गाइस। ये अपनी माजी से पूछ रहे हैं, हम बताएंगे माजी। हम देखो दोनों कैसे चिपट रहे हैं, माजी हमारे रिकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, नहीं अभी कोई नहीं बताएगा, अभी कोई नहीं बताएगा। मेरी पहेली का आंसर गलत, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। काली नाय, काली नाय, काली नाय, काली नाय, दिल्ली में आवे, प्रियांक कह रहा है काली गाय नाली ब्याव, खटका दबावे तो चूरा ना आवे। यू कह रहे दिल्ली में ब्याव। और उसका आंसर मेरे हाथ में है। हाँ। ये रहा। ओ, काली गाय नाली ब्याव, खटका दबावे तो मारा ना आवे बंदूक। अच्छा मुझे मारा पागल। ये देखो अभी लड़ने लग गए पहेली तीनों ने कह ली। प्रियांक प्रियांक घोड़ा।